हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कितना अच्छा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ दो कलर का। ये देखिए, आप किसी भी स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आप अपने स्वेटर में भी इस तरह से वेल बनाकर डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे डालना है। ये देखिए, मैंने फंदे डाल के दो सिलाइयाँ बना रखी हैं। तो मैं ये दूसरा कलर लगा के शुरू करती हूँ। ये देखिए, इधर से मैं दूसरे कलर को उल्टा बुन के दो सिलाइयाँ बनाऊंगी, एक उल्टी एक सीधी, इस तरह से। एक उल्टी और एक सीधी, दो सिलाइयाँ करती हूँ। देखिए फ्रेंड, दो सिलाइयाँ हमने वाइट कलर से बना ली हैं। ये देखिए, एक उल्टी एक सीधी। तो अब ये दूसरा कलर जो लगेगा उल्टी तरफ से ही लगेगा। इधर से ही हमने फंदे डिसाइड करने हैं कि हमने कितने सफ़ेद रखने हैं और कितने मैरून रखने हैं। तो मैं इधर से दूसरा कलर लगाती हूँ। तो नौ फंदे हमने मैरून बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। क्योंकि उल्टी तरफ से कलर इसलिए लगाना है कि नहीं तो फिर सीधी तरफ ऐसा आएगा, इसलिए हमने उल्टी तरफ से लगाना है। और सीधी तरफ से फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो नौ फंदे हमने ये बना लिए मैरून कलर के। इसके बाद वाइट फंदे को हमने इस तरह से उतार लेना है। उसके बाद फिर नौ फंदे हमने मैरून बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। फिर वाइट फंदा स्लिप करना है और फिर नौ फंदे मैरून बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। फिर एक फंदा वाइट स्लिप करना है, बाकी के मैरून बना लेने हैं, जितने हमारे फंदे बचे लास्ट में। देखिए, अब इधर से हमने मैरून मैरून उल्टे बनाने हैं और वाइट को उतारना है, इस तरह से उल्टा बनाना है ऐसे। फिर धागा पीछे करके हमने वाइट वाले को उतार लेना है और धागा आगे करके फिर हमने ये नौ फंदे उल्टे बना लेना है। फिर धागा पीछे करेंगे, वाइट को उतारेंगे और आगे करके ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, अब देखिए, फिर उल्टी साइड से हमें फिर वाइट कलर लगाना है। अब इधर से हमने वाइट कलर से पहले दो फंदे बनाने हैं।
फिर मेहरून को स्लिप करना है, फिर एक फंदा वाइट, फिर मेहरून को स्लिप करना है, फिर एक फंदा वाइट, फिर मेहरून को स्लिप करना है, फिर दो फंदे वाइट। एक दो तीन, हमने यहाँ पर पांच फंदे वाइट बनाने हैं। दो, इस वाले को हमने बुन लेना है जो हमने स्लिप किया था। तीन, चार, पांच, फिर हमने मेहरून को स्लिप करना है और वाइट को, एक वाइट, फिर मेहरून को एक स्लिप करना है, फिर एक वाइट, फिर मेहरून, और फिर पांच फंदे वाइट के। एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा मेहरून का स्लिप करना है, फिर एक वाइट बनाना है, फिर एक स्लिप करना है, फिर वाइट बनाना है, फिर एक स्लिप करना है। इस तरह ही हमने ये तीन फंदे लेने हैं मेहरून के स्लिप करके। फिर यहाँ से हमने ये पांच फंदे हमने वाइट बनाने हैं, दो ये, तीसरा ये वाइट वाला और दो इधर से। एक दो तीन चार पाँच, फिर ये मैरून स्लिप करना है और वाइट बुन लेना है इस तरह से। अब इधर से हमने वाइट ही बनाने हैं, मेहरून वाले सभी हमने फंदे स्लिप करने हैं, क्योंकि इधर हमारा एक ही धागा आ रहा है तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सारे फंदे ये उतार के ही बनाने हैं। ये देखिए, बस ये धागा घुमाने का ध्यान रखना है इस तरह से, फिर आगे लाना है, फिर वाइट बनाने हैं उल्टे उल्टे पांच फंदे, फिर धागे को पीछे घुमाना है, मैरून को स्लिप करना है और आगे वाइट बुनना है, फिर धागा घुमाना है, फिर इसको स्लिप करना है, फिर वाइट बनाना है। हर बार इसी तरह बनाना है हमने, फिर पांच फंदे वाइट बुनने हैं। ये देखिए, अब फिर दूसरा कलर लगाना है। देखिए, अब इधर से दूसरा कलर लगाएंगे तो पहला मेहरून बनेगा इस तरह से, और ये वाइट वाला स्लिप होगा, फिर ये पांच मेहरून आएंगे। एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा स्लिप होगा, फिर तीन फंदे मेहरून के। एक दो तीन, फिर वाइट स्लिप होगा, पांच फंदे मेहरून के। एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा वाइट वाला स्लिप होगा और तीन फंदे मेहरून के। एक दो तीन, इसी तरह पूरी सिलाई बनानी है। एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा वाइट, फिर तीन फंदे मैरून के। एक
दो तीन, फिर एक फंदा वाइट, फिर दो फंदे मैरून के। अब इधर से सारे मैरून वाले उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और वाइट को स्लिप कर लेना है इस तरह से। इस तरह धागा घुमाना ना भूलें। ये देखिए अब आएगी वाइट सिलाई, वाइट कलर की ही ऊन। ये देखिए वाइट कलर लगा के मैरून को स्लिप करेंगे और दो वाइट बनाएंगे, एक दो, फिर एक मैरून स्लिप करेंगे, एक वाइट बनाएंगे, फिर एक मैरून स्लिप करेंगे, फिर दो वाइट बनाएंगे। ये देखिए फिर एक मैरून स्लिप करेंगे, एक वाइट बनाएंगे, एक मैरून स्लिप करेंगे, दो वाइट बनाएंगे, एक दो, फिर एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट। दो वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, दो वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, दो वाइट, फिर एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, दो वाइट, लास्ट का मैरून। अब इधर से मैरून को उतार के फिर धागा आगे करके हमने वाइट को उल्टा बुनना है, एक दो, फिर धागा पीछे करके मैरून को उतारना है, धागा आगे करके वाइट को बुनना है, फिर धागा पीछे करके मैरून को उतारना है, फिर वाइट को बुनना है। अब देखिए इस कलर से दो मैरून आएंगे इस तरह से। इसको वाइट को एक स्लिप करना है और यहाँ पर तीन मैरून बनाने हैं, एक दो तीन, फिर वाइट को स्लिप करना है, पांच मैरून बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, फिर वाइट को स्लिप करना है, फिर तीन मैरून बनाने हैं, एक दो तीन, फिर वाइट को स्लिप करना है, पांच मैरून बनाने हैं, एक दो तीन
चार पाँच, फिर वाइट फंदे को स्लिप करना है, तीन फंदे मैरून बनाने हैं, एक दो तीन, फिर वाइट को स्लिप करना है, पांच फंदे मैरून, एक दो तीन चार पाँच, फिर वाइट को स्लिप करके लास्ट का मैरून बनाना है। अब इधर से हमें मैरून ही बनाने हैं, इस तरह से धागा घुमा के फिर मैरून के उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। पहला फंदा वाइट, फिर मैरून को स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदे वाइट, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा मैरून का, फिर एक फंदा वाइट का, एक मैरून का, एक वाइट का, फिर एक मैरून का, फिर पांच फंदे वाइट के, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक मैरून, फिर एक वाइट, फिर एक मैरून, फिर एक वाइट, फिर एक मैरून, फिर पांच फंदे वाइट के, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक मैरून, एक वाइट, फिर एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, फिर ये वाइट। वाइट सारे बुन लेने हैं और मैरून वाले स्लिप कर लेने हैं। अब देखिए फिर हमारी वही पहली लाइन आ गई है, नौ फंदे मैरून के, एक फंदा वाइट का। तो देखिए कैसे करना है, ये हमने पांच के जो बीच का फंदा है ना, ये वाला वाइट रखना है, बाकी सारे फंदे मैरून। ये देखिए ये वाला वाइट रखना है, नौ फंदे मैरून के, दो तीन
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये देखिए, ये पांच फंदे के बीच का फंदा पांचवा, ये इसको हमने वाइट लेना है। नौ फंदे मैरून, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। एक फंदा वाइट का, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये देखिए, आधी बुनाई हमारी पड़ गई है। अब देखिए, फिर इसको हम मैरून को बुन के ले जाएंगे। ये वाइट फंदा उतार लेंगे इस तरह से। अब वाइट से पहला फंदा, वाइट से ये देखिए, ये जो वाइट आ रहा है ना, इसके दो फंदे इधर, दो इधर, ये पांच फंदे हमने वाइट के बनाने हैं। तो मैरून को हम उतार लेंगे, एक फंदा, पांच फंदे वाइट के, दो, तीन, चार, पाँच, फिर एक मैरून, फिर एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, नहीं, दो वाइट आएंगे इसके बाद, ये पांच फंदे वाइट आएंगे एक मैरून के बाद, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, फिर पांच फंदे वाइट के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, फिर ये दो फंदे वाइट के। वाइट के हम सारे फंदे बुन लेंगे उल्टे उल्टे, मैरून को स्लिप करके। ये देखिए,
देखिए यहाँ पर हमारे ये तीन फंदे मैरून के आएंगे और ये पांच फंदे मैरून के, एक वाइट, क्योंकि ये मैरून की लाइन आएगी तो अब ऐसे बनाना है। दो मैरून, एक वाइट, फिर तीन मैरून, एक दो तीन, फिर एक वाइट, पांच मैरून, एक दो तीन चार पांच, फिर एक वाइट, तीन मैरून, एक दो तीन, एक वाइट, पांच मैरून, एक दो तीन चार पांच, एक वाइट, तीन मैरून, एक दो तीन, फिर एक वाइट, फिर पांच मैरून, एक दो तीन चार पांच, फिर एक वाइट और एक मैरून। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए अब सीधी तरफ से हमने फिर वैसे ही बनाने हैं, जो हमारी सीधी तरफ ये ऊन आती है उन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है और दूसरे कलर के हमने उतार लेने हैं। तो मैंने अब इस सिलाई में भी वाइट कलर के बनाने हैं और ये वाले उतार लेने हैं। ठीक है, उल्टी तरफ से
पहला फंदा मैरून बनाएंगे, वाइट वाला उतार लेंगे और फिर पांच फंदे मैरून बनाएंगे। तो तीन, चार, पांच, फिर वाइट वाला उतार लेंगे, ये देखिए, और तीन फंदे मैरून बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर वाइट उतार लेंगे, पांच फंदे मैरून। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर वाइट वाला उतार लेंगे और तीन फंदे मैरून बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर वाइट वाले को बिना बुना उतार लेंगे, पांच फंदे मैरून बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर वाइट वाले को इस तरह से उतार लेंगे, तीन फंदे मैरून बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर वाइट वाले को उतार लेंगे और दो फंदे मैरून बना लेंगे। एक, दो, सीधी तरफ से हमने वैसे ही करना है जैसे हर सिलाई में हम करते आए हैं। सीधी तरफ से हमने जो हमारा ये धागा है उस वही फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बनाने हैं। बस धागे को घुमाना ज़रूरी है, जिस तरह ऐसे इसको घुमाएंगे हम, फिर हम वाइट वाला स्लिप करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, फिर उल्टे फंदे बुनेंगे, फिर इसको धागे को घुमा के फिर वाइट को स्लिप करना है, फिर मैरून फंदे बुन लेने हैं। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, अब ये वाइट कलर लगेगा, तो देखिए कैसे करना है। दो वाइट, फिर मैरून वाला स्लिप करेंगे, फिर एक वाइट, एक मैरून, फिर एक वाइट, एक मैरून। अब हमने ये पांच फंदे वाइट बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, इसके बाद एक मैरून स्लिप करेंगे, फिर एक वाइट बनाएंगे, फिर एक मैरून स्लिप करेंगे, फिर एक वाइट बनाएंगे, फिर एक मैरून स्लिप करेंगे। अब पांच फंदे हमने वाइट बनाने हैं। दो, तीन, चार, पांच, फिर एक मैरून स्लिप करेंगे, एक वाइट बनाएंगे, एक मैरून स्लिप करेंगे, एक वाइट बनाएंगे, फिर एक मैरून स्लिप करेंगे और पांच फंदे वाइट बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, दो फंदे, एक फंदा स्लिप करेंगे मैरून और दूसरा वाइट बुन लेंगे। अब इधर से हमने वैसे ही करना है क्योंकि हमारा इधर वाइट कलर आ रहा है, तो हमने सीधी तरफ से वाइट कलर वाले फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से ये देखिए,
अब देखिए आगे क्या करना है। ये हमने यहाँ तक मैरून बनाने हैं, यहाँ तक यानी कि नौ फंदे मैरून बनाएंगे, फिर एक वाइट स्लिप करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे वाइट वाला, फिर नौ फंदे हमने मैरून बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर वाइट वाला स्लिप करेंगे, फिर नौ फंदे मैरून। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। अब बाकी के फंदे भी हमने मैरून बनाने हैं। एक दो तीन चार, सीधी सिलाई पे हमने वैसे ही फिर करना है, एक कलर के ही बुनते जाना है उल्टे उल्टे। देखिए हमारा ये पूरा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब मैं बस दो लाइनें वाइट की करूँगी ऊपर, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से बेल के रूप में भी डाल सकते हैं, या आप आगे इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आगे के मतलब पूरे पोर्शन में डाल सकते हैं, आगे के पल्ले में आप जैसे चाहें वैसे आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएँ कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करना होता है, तो आप एक बार सब्सक्राइब करें, बार बार नहीं करना है, एक बार करना है, सिर्फ एक बार। तो देखकर आप बताएं। थैंक यू।